अस्सलाम वालेकुम नक्स नगर चैनल में आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ शामी कबाब। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में भी बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो चलिए हम बनाने की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर में कीमा ऐड कर दिया है और सोख किए हुए चने की दाल। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूँगी, सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखना है, अदरक लहसुन पेस्ट, सूखी लाल मिर्च, ज़ीरा, धनिया पाउडर, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, हल्दी पाउडर। अब मैं इसमें 1 कप पानी ऐड कर दूंगी। एक बार इस कप को अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं। अब मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दूंगी। 3 सीटी तक इसे मैं मीडियम फ्लेम पे कुक करूंगी। 5 मिनट स्लो फ्लेम पे कुक करेंगे। अब इसमें जो भी हमारा एक्स्ट्रा पानी है उसे हम सुखा लेंगे। देखिए दम हमारा अच्छे से सब गल चुका है और पानी भी एकदम ड्राई हो चुका है, तो इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारा जो शामी कबाब का मिक्सचर है वो ठंडा हो चुका है, तो इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। हमने देखिए हमने पीस लिया इसको। अब मैं इसमें बारीक चॉप किए प्याज ऐड कर दूँगी, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, धनिया पत्ता, चाट मसाला, हाफ नींबू का जूस, सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब मैं मिक्स हो चुका है, मैंने हाथों में तेल लगा लिया है। अब मैं एक एक करके शामी कबाब की टिकिया बनाऊंगी। सारी हमें ऐसे ही तैयार कर लेनी है। अब मैं एक अंडा लूंगी, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। मैं सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें शामी कबाब डिप करके फ्राई होने के लिए रखूंगी। सब हमें एक एक करके ऐसे ही फ्राई होने के लिए रख देने हैं। एक साइड से हमारा फ्राई हो चुका है, तो हम इसको पलट देंगे, दूसरी साइड से इसको अब फ्राई करेंगे। हमारी शामी कबाब बनके तैयार है, अब इसे हम सर्व कर लेंगे। हमारी शामी कबाब बहुत ही मज़े के बनके तैयार हुए हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो आप सब भी बकरीद के मौके पे ज़रूर अपने घरों में बनाइएगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।